टाइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम 7 बजे राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में राज्य की खेल नीति और राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में संबंधित सेवा नियमावली और विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ की छटा बिखरी रही। सोमवार को नहाय खाय के साथ छठ पूजा शुरू हो गई थी। दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी करने के बाद महिलाओं ने निर्जला व्रत शुरू किया। तीसरे दिन यानी बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन हो गया। घाटों पर ये मनोहारी दृश्य देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने सूर्य देव और छठी मैया के पति की दीर्घायु के साथ ही संतान सुख की कामना की। इसके साथ ही गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। इस दौरान खूब आतिशबाजी भी की गई। ढोल नगाड़ों और छठ के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान हुआ। पूजा बहुत ही भव्य त्यौहार है और बहुत इसकी मान्यता है और ये त्यौहार 36 घंटे मनाया जाता है। औरतें इसको नहा खा से शुरू करती हैं और वो अर्घ देने शाम को अर्घ देती हैं, सुबह फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। इसलिए इसका बहुत मान्यता है इस छठ पूजा की। ये बिहार से शुरू होकर आज पूरे देश में, पूरे मतलब विश्व में मनाया जा रहा है ये त्यौहार। दुनिया में ये छठ का ऐसा त्यौहार है, छठ माता की पूजा ऐतिहासिक पूजा होती है। छठ माता के लिए छठ माई का एक अपने आप में कहा जाता है, जो पौराणिक कथा है कि जब भी उन्होंने किसी ने कोई मनोकामना उनसे मांगी है तो पूर्ण हुई है। और छठ माता चूंकि हरिद्वार के मानुभास में विशाल किसान मेला लगाया गया है, जिसमें सभी विभाग द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। इस मेले में अभी एग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा उपकरण लगाए गए हैं। वहीं अरविंद कुमार सैनी का कहना है कि किसान मेले में जो हमने दुकानें लगाई हैं उसमें किसानों के लिए विशेष छूट दी गई है। किसान मेले में हमने अपने यंत्र लगाए हैं जो हम खुद ही बनाते हैं। इनको हमारी वर्कशॉप है ढंडेडी के पास, हमने उनको ही पास रोड के पास कृषि यंत्र बनाते हैं। गन्ना बहाने का करके रोटावेटर भी बेचते हैं, हड़म्बा भी बेचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन की अध्यक्ष माता मंगला 12 नवंबर को भगवान घंटाकरण धाम के आगमन पर सभी तरह की तैयारियां जोरों पर है। गज से गौताचली तक खस्ताहाल पैदल मार्ग की मरम्मत भी आज ही की जा रही है। यदि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मंदिर भवन के लोकार्पण कर नहीं होता है तो ये खस्ताहाल लिंक रोड और पैदल मार्ग पर लोग यूं ही गिरते पड़ते, लड़खड़ाते चलते रहने को मजबूर रहते। तो सड़क का एकदम खस्ता हाल जो देखने को मिल रहा था, और वहीं मुख्यमंत्री के आने पर इस सड़क की मरम्मत की गई है। और अगर इस सड़क का हाल यूं ही रहता, अगर मरम्मत ना होती तो लोग गिरते पड़ते चलने को मजबूर रहते। हरिबोधिनी एकादशी के शुभ अवसर पर 12 नवंबर को पूज्य श्री भोले जी महाराज, माता श्री मंगला माता जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण जी 12 नवंबर को श्री घंटाकर्ण धाम मंदिर का लोकार्पण करेंगे। उसके साथ सोलर पंपिंग योजना का भी लोकार्पण होगा, उसके साथ गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण होगा, ठाकुर भगत सजवाण जी की मूर्ति का शिलान्यास होगा और अन्य कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण होंगे।
उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के तमाम पर्वतों पर, ऊंचे शिखरों पर देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। आज ऐसे ही मंदिर घंडियाल डांडा में, जो समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर है, घंटाकर्ण मंदिर में पहुंचे हैं हम। और इस घंटाकर्ण मंदिर का कल जो इसका बड़ा भव्य भवन बना है, उसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पधार रहे हैं। और साथ में ये भी बता दें कि हंस फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगला माता और भोलेनाथ भी यहाँ कल पदार्पण करेंगे। सांसद गढ़वाल एवं अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक दिशा पौड़ी गढ़वाल में तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में हुई। इस दौरान बैठक में लिए गए निर्णय एवं निर्देशों से परिपालन में विभागों द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। रावत ने जिन विभागों के कार्य शेष रह गए हैं, उन्हें निर्देशित किया कि गुणवत्ता के साथ एक महीने के अंदर काम पूरा करना सुनिश्चित करें। सड़क का जो मामले हैं, स्वाभाविक की जब बरसात होगी तो निश्चित है कि उनको कुछ ना कुछ नुकसान क्षति हो। इस समय की 2-3 दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है और उसके कारण कुछ जगह टूट फूट गई, लेकिन मैंने कहा कि तत्काल उसकी भरपाई हो, गड्ढे मुक्त हों और सड़कें खुल जाएं, ये मैंने निर्देशित किया है। और बाकी जो काम है अन्य विभागों को भी उनको निर्देशित किया है कि समय पे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद जनसभा के माध्यम से शुरू कर दिया है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा की नीति से आज पूरी जनता परेशान है और अब परिवर्तन चाहती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस जनसैलाब से यह साफ हो गया है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आज जनसभा के अंदर सैलाब उमड़ कर आया है, इससे साफ हो गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा का सफाया होगा। और ये खटीमा में अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में प्रतिभाग किया। साथ ही गुरुद्वारा कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। साथ ही उन्होंने जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में अब तक हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता का आशीर्वाद मांगने की बात भी कही। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किंगरेग स्थित कार पार्किंग का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने की दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में 20 नवंबर तक कार पार्किंग के निर्माण की बात कही और कहा कि इस पर किसी भी प्रकार की हीलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्किंग का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मसूरी में पार्किंग को लेकर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और अब ये बनकर तैयार होने वाली है। कोई भी काम कांग्रेस की तरह नहीं आधे अधूरे काम का हम शिलान्यास लोकार्पण कर दे। हमने इनको 9 तारीख की डेडलाइन दी थी और इनका राज स्थापना दिवस को हम करना चाहते थे, लेकिन इनका लिफ्ट का सामान क्योंकि बाहर से आना था उसकी वजह से ये काम डिले हो गया है। आज मैंने बड़ी सख्ती से अधिकार निश्चित किया है कि 20 तारीख डेडलाइन है, आप दिन रात काम करें। हमें जो है किसी भी हालत में 20 तारीख को ये पूरा होना चाहिए काम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय बार बार नहीं मिलता है। हम एक साथ जो एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह मसूरी की पेयजल योजना 144 करोड़ की योजना से हम पानी ला रहे हैं, उसका शिलान्यास, पार्किंग का लोकार्पण और टाउन हॉल, ये तीनों बड़े कामों का जो है एक साथ करेंगे, इसलिए मैंने आज उनको डेडलाइन दे दी है।
इसमें तारीख पे तारीख तो नहीं, इसमें सिर्फ 9 नवंबर को एक प्रस्ताव था कि 9 नवंबर को हमको इसका उद्घाटन करना है, तो 9 नवंबर को उद्घाटन इसलिए नहीं हो पाया। एक्चुअली इसमें कुछ तकनीक दिक्कतें ये आई थी, जैसे हमारी लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है चूँकि वो दिल्ली से आती है और दिल्ली से ही उसको आना था। दूसरा जो इसमें हाइडल से हमको बिजली का कनेक्शन लेना था, उसकी फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा टाइम लगा, और कई फिनिशिंग आइटम भी हमारे स्तर से रह गए थे, तो हम ये चाह रहे थे कि जो है ये चूँकि पूरे कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए अब जो नई तारीख उन्होंने 20 तारीख हमको बताई है, तो 20 नवंबर तक हम इसको पूरा कंप्लीट करके देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने सत्ता में बैठे लोगों पर राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया है। जयेंद्र रमोला ने एक होटल में प्रेसवार्ता करके बताया कि सत्ता में बैठे कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को देखकर छवि धूमिल करने का प्रयास में लगे हुए हैं। जबरन बिना किसी ठोस कारण के उन पर मुकदमे पर मुकदमे किए जा रहे हैं। ऋषिकेश के कांग्रेसजनों ने जयेंद्र को संघर्ष करने के लिए समर्थन दिया है, साथ ही कांग्रेसियों ने एक स्वर में कहा कि भाजपा के झूठे मुकदमों से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है। इसके अंदर ये सब देखा जाता था कि भाजपा के लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजने का कारण उनपे मुकदमे दर्ज करने का काम किया था। अब ऋषिकेश, उत्तराखंड और ऋषिकेश में भी ये राजनीति शुरू हो गई है। मेरे पे अब ये तीसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है पिछले एक साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आयोग को स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को सुनकर फैसला लेना चाहिए था, लेकिन आयोग ने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा, उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ इस पर भाजपा के नेताओं का। और मैं तो सबसे ज़्यादा, मेरा पूरा अंदेशा है कि क्षेत्रीय विधायक का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उससे पूर्व भी उन्होंने मेरे पे एक ही काम के लिए दो थानों में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग अपनी राजनीतिक जमीन को खिसक रहे हैं। क्षेत्र लक्सर में रेलवे अंडरपास न होने की वजह से आज सुबह एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में दो बच्चे आ गए। जहां छठ पूजा में शामिल होकर वापस जा रहे दोनों भाई ट्रेन की चपेट में आ गए, जबकि इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसमें कई बार यहाँ धरने भी हुए हैं, कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, कई बार पैसे की बता रहे थे पैसे भी आए हैं, पर अब तक ना तो कांग्रेस की सरकार में ना भाजपा की सरकार में इस अंडरपास का निर्माण का कार्य शुरू हो पाया है। ये यहाँ के नगर की मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ अंडरपास बहुत ज़रूरी है। आज भी सुबह मालूम हुआ कि 10 साल के बच्चे की एक जान चली गई, उसकी बहन भी हायर सेंटर में रेफर है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।